नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन चलिए आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोग। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर। मैं यहाँ पे जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्स वाई जो भी मैं यूज़ करूँगा, जो भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करूँगा उसका वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। देखो यहाँ पे दे स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज़ 10। अगर स्पीड ऑफ द बोट स्टील वाटर, स्टील वाटर मैंने स्पीड ऑफ लिखा है, एक्स का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट कवर्स अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, देखो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, डाउन नीचे जाना, नीचे की तरफ जाना है, ढलान की तरफ जाना है, यानी धारा के साथ बह रहा है नाव। और अप स्ट्रीम मतलब क्या, धारा उल्टा चल रहा है, हम जा रहे हैं सीधा डायरेक्शन में, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में यानी कि धारा जब चल रहा है हमारी तरफ और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 45 किलोमीटर हम 6 घंटे में तय करते हैं। देखो 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर DI और 6 घंटे, यानी कि टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है इन 6 आवर्स। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा अगर डिस्टेंस का आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी। तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है ना। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब जितना का स्पीड से नाव चल रहा है, और जितना का स्पीड से नाव चल रहा है और माइनस जितना धारा उसको ठेल रहा है। जैसे कि नाव समझो कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जब नाव चल रहा है धारा इसको ठेल रहा है इधर, यानी कि जो समझो कि 5 का स्पीड नाव का है, धारा का स्पीड इधर से 3 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर 1 घंटे में 2 ही किलोमीटर नाव आगे बढ़ेगी। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, यानी कि जो भी नाव चल रहा है और जो भी उसको धारा अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, वाई का वैल्यू हमें पता करना है। यही क्वेश्चन पूछा होगा कि स्ट्रीम का वैल्यू पता कीजिए, तो उम्मीद है आप लोग वाई का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। तो मैं हर वीडियो में ये वाला चीज़ मैं आप लोग को दिखा दूंगा, आप लोग क्वेश्चन धड़ाधड़ करते जाओ, ठीक है।